तो हमारे देश का झंडा भाई ने रखा हुआ भाई। बड़ी हंसी जी की बात भी थी कि भाई कहते भाई साहब देखो ये गधे से सीधा लैंड क्रूजर पे आए हैं। और कृष्ण जी का मंदिर है, कृष्ण टेम्पल है यहाँ पे, तो भाई भाइयों की वजह से प्रभु के दर्शन भी हो गए श्री कृष्ण जी के। भाई पेट्रोल यहाँ इतना सस्ता है कि भाई ने बाइक स्टार्ट करके छोड़ी हुई है, पता नहीं। मतलब इंडिया का कुछ भी खान पान चाहिए वो आपको सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे, बहरीन में कोई कमी नहीं है। भाई अपने जो विष्णु भाई हैं ये दोनों भाई हिसार साइड गए हैं, महंगा मोदी जी ने सऊदी अरब में टैक्स लगवा दिया क्या। और भाइयों ने भी मुझे बताया कि भाई जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं उनमें बहुत सारी बिल्डिंग्स इंडियंस की हैं। जो यहाँ के किंग हैं उनका नाम है अहमद बिन ईसा अल खलीफा। तो मैं बार बार यही कहता हूँ भाई किले देखने हो तो फिर इंडिया में आओ। अब हम जा रहे हैं यहाँ से एवेन्यू की तरफ। यहाँ पर 1 करोड़ में अगर 2 BHK फ्लैट मिल रहा है तो फिर कोई ज़्यादा महंगा नहीं है महंगा। तो हम पहुँचे हैं अब बाब अल बहरीन पे और विष्णु भाई चले गए हैं हमें छोड़ के, थोड़ा सा काम था उनको। और विष्णु भाई नंबर 2 हमारे साथ हैं, दोनों भाइयों का नाम विष्णु है, इन्होंने गुदी 1 और 2 लिखा हुआ है। अभी हम पहुँचे हैं यहाँ की एक ओल्ड मार्केट में, जो यहाँ की ओल्ड सूक है, बाब अल बहरीन उसका नाम है। और ये सारा एरिया जो है ये ओल्ड बहरीन है, मनामा के अंदर है। मनामा कैपिटल है बहरीन की, मतलब कैपिटल मान लो आसपास ही सारा बहरीन ही छोटा सा है। और भाई ये है एक गेट यहाँ का, तो ये हमारे पीछे है गेट बाब अल बहरीन। बाब कहते हैं गेट को, तो बाब अल बहरीन तो बहरीन का गेट। ये पुराना बाजार है यहाँ का, सूक है, अंदर चलेंगे। ये मेन गेट है, आप कभी भी बहरीन को सर्च करोगे, मनामा सर्च करोगे तो ये गेट आपको ज़रूर दिखेगा। और सामने लिखा भी हुआ है बाब अल बहरीन होटल। रोड क्रॉस करना भी आसान नहीं था यार। ये सामने है जी मार्केट। मार्केट तो बढ़िया है, सुंदर है, लेकिन खाली पड़ी है। विष्णु भाई हमेशा ऐसी रहती है? नहीं, नाइट में भी आएंगे। अभी आएंगे लोग शाम को। अच्छा अभी 4:45 हुए हैं, वो 4 बजे का सिस्टम होगा यहाँ। चलो कहीं बैठ के चाय वगैरह पियेंगे फिर आएंगे जब रौनक हो थोड़ी सी। वैसे तो देखो बहुत बढ़िया मार्केट, सुंदर है, पुरानी मार्केट है और काफ़ी मेंटेन कर रखी है। चाय वगैरह पीते हैं कहीं बैठ के। एक यहाँ पर कैफ़े है कोई, क्विंटन कैफ़े करके, वो ढूँढना है कहाँ है। बाब अल बहरीन सूक में मैं रुका था हमेशा की तरह एक मैग्नेट लेने के लिए, क्योंकि यहाँ ही मैग्नेट मिल सकती हैं। और एक चीज़ देख के बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर इंडिया के मैग्नेट भी थे। मैंने ली नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी है इंडिया की मैग्नेट, और यहाँ छोड़ी भी इसलिए है कि कोई ओवर लेके जाए तो ज़्यादा बढ़िया। और मेरे देश का प्यारा झंडा भी यहाँ है, तो हमारे देश का झंडा भाई ने रखा हुआ। भाई इंडिया से ही हैं, मुंबई से। राकेश नाम बताया? जी राकेश बुलानी। राकेश बुलानी भाई हैं, इंडिया मुंबई से हैं। थैंक यू भाई, आपने ये रखा, हमेशा रखे रखना है इसको, ठीक है। ये आपकी हमारी सबकी शान है। मालाबार में क्या हो गया भाई? ये इसमें भीड़ क्यों लगी है मालाबार में जी? या फ्री मिल रहा है कुछ सामने? नहीं, आज ओपनिंग है। अच्छा, ओपनिंग की भीड़ है भाई। ओपनिंग हो गई है मालाबार गोल्ड एंड डायमंड यहाँ पर, और करीना कपूर की फ़ोटो लगी हुई है। चलो जी, करीना कपूर खान साहब, ये रहे आप, बहुत सुंदर लग रहे भाई। एक कार पार्किंग यहाँ पर, 2 घंटे मैक्सिमम, 40 रुपये है, सस्ती है यहाँ। भाई जगह जगह ना कबूतर बहुत हैं, देखो कबूतरों को बहुत डालने वाला वो उड़ा दिए भाई, सॉरी। लेकिन बड़ा अच्छा सा लगता है, मैं पंजे मत मारना भाई, कहीं अच्छा बना दो मेरा। बढ़िया, ठीक हो भाई? लोगों बांग्लादेश के बहुत हैं भाई साहब, है ना, यहाँ भी बांग्लादेश के, ओमान में भी बहुत थे लोग। अभी हम आए हाजीज कैफ़े पे, बहुत पुराना कैफ़े है, 1950 लिखा हुआ है,
थोड़ी देर बैठेंगे क्योंकि मार्केट अभी सारी बंद है। अभी 4:10 हुए हैं और दोपहर को लगभग मार्केट बंद रहती है। थोड़ी देर हम यहाँ चाय कॉफ़ी पियेंगे और उसके बाद चलेंगे बाज़ार देखने दोबारा से। टाइमिंग्स बंद हो गया क्या? टाइमिंग्स हैं जी ब्रेकफास्ट 5:30 to 11:30, 5:30 AM ओपन हो जाता सर, बड़ी जल्दी ओपन होता अभी। और लंच है 12 to 4:30 PM, डिनर है 5 to 9 PM, मतलब आधे आधे घंटे का ब्रेक है बस बीच में, बाकी तो खुला रहता है और 9 बजे तक रात के है, 9 से भी थोड़ा ज़्यादा ही होता होगा। बड़ा ऑथेंटिक स्टाइल में बना हुआ है, बाहर अंदर काफ़ी इन्होंने जगह ले रखी है भाई। कुछ फैमिली ओनली है, कुछ वैसे है ओपन एरिया बैठने के लिए। 4:15 का टाइम है, 4:30 बंद कर देते हैं। तो खाने पीने में एक बस वो बिरयानी थी चिकन जो हम नहीं ले रहे, हम पियेंगे यहाँ बैठ के चाय और फिर तब तक बाज़ार भी खुल जाएगा, थोड़ा बाज़ार देखेंगे। और फोटोज़ देख के एक चीज़ बताई है भाई ने, नाम नहीं लूँगा भाई का, ये देखो ये, और ये जो ओल्ड ट्रेडिशन था ये, तो मतलब बड़ी हंसी सी की बात भी थी कि भाई कहते भाई साहब देखो ये गधे से सीधा लैंड क्रूज़र पे आए हैं, इन्होंने बीच का मतलब ज़माना ही नहीं देखा, थोड़े थोड़े नहीं बड़े, पहले गधे चला करते थे बहुत सारी जगह पे, ऐसे ये गधे वाली कार टैन की, तो कहते गधे से सीधा लैंड क्रूज़र पर। वाकई भाई जब तक तेल नहीं था इन देशों का हाल कुछ ऐसा ही था। चाय आ गई है हमारी, फीकी चाय है, चीनी साथ में आई है, कुल्हड़ वगैरह में देते तो ज़्यादा बढ़िया रहता, ट्रेडिशनल अगर चीज़ है तो ट्रेडिशनली उसके साथ बर्तन वगैरह होने चाहिए। चाय वैसे ठीक है भाई। शाम के 5 बज गए हैं और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से कैफ़े से, लगभग मार्केट खुल चुकी है। और एक और छोटा भाई जुड़ गया अपने साथ, ये अपना इंडिया से है भाई, हिसार से, हरियाणा से। भाई नाम? राम बिश्नोई। राम बिश्नोई, सारी बिश्नोई एंड टीम अपनी, सारे सारे भाई है बिश्नोई हैं, आपस में रिश्तेदार हैं और भाई अच्छा है, साथ मिल के रहते हैं तो इनका भाई मन भी लगा रहता है। भाई भी यहाँ पर हॉस्पिटल में काम करते हैं और सुपरवाइज़र हैं ये भी। भाई ये बाज़ार में ना बहुत मतलब हद तक सऊदी की छाप दिख रही है, जो भी लेडी हैं वो ज़्यादातर बुरके में ही हैं और जो मतलब इंडियन है कुछ तो वो थोड़े अपने ड्रेस अलग पहनी हुई है, जो लोकल हैं वो सब बुरके में है। तो सऊदी अरब में भी ऐसा ही था कि ज़्यादातर भाई ज़्यादातर क्या सारी जो लेडी थी वो बुरके में थी, हालांकि उस टाइम भी बुरका मतलब कंपलसरी नहीं था। जब मैं गया था 2020 की स्टार्टिंग में मैं गया था और उस टाइम नहीं था बुरका कंपलसरी, लेकिन सबने पहना हुआ था और यहाँ भी पहना हुआ है। और अगर मतलब वीडियो बना रहे हैं तो साथ में उनके कोई जेंट्स है तो वो घूर रहा है वीडियो बनाते हुए, देख रहा है कि भाई, हालांकि मैं किसी भी लेडी की तरफ कोई कैमरा पॉइंट आउट नहीं कर रहा तो, लेकिन फिर भी वो हाथ में कैमरा देख के बंद कैमरे को भी देख रहे हैं। और हम पहुँचे हैं अभी जो है गोल्ड मार्केट ये सारी यहाँ गोल्ड मार्केट है, गोल्ड मार्केट को बाद में देखेंगे, पहले हम जाएंगे मंदिर। तो यहाँ पर कृष्ण जी का मंदिर है, कृष्ण टेंपल है यहाँ पे बहरीन में। और मिडल ईस्ट में आप बहुत जगह टेंपल हैं, आई थिंक यमन को छोड़ देते हैं, सऊदी अरेबिया को छोड़ देते हैं, कुवैत का मुझे पता नहीं, कतर में, बहरीन में और दुबई में, ओमान में, ये 4 कंट्रीज़ में तो मुझे पता है कि टेंपल और गुरुद्वारे हैंगे। तो हम पहुँचे हैं अभी मंदिर, ये है जी आप किधर गए? इंडिया का? किधर? पंजाब? नहीं दिल्ली का। दिल्ली का जी, बहुत शुक्रिया आपका। ग्रीन है सब, ये सब कुछ ग्रीन है, वैक्सीन है, वैक्सीन है, डबल है। श्रीनाथ जी कृष्णा टेंपल बहरीन पहुँचे हम और वैक्सीन चेक की जा रही है कि अगर आपने डबल वैक्सीन लगाई है या नहीं, वो चेकिंग है। बड़ा मंदिर है काफ़ी, मतलब दुबई वाला जो मंदिर है तो बहुत छोटा है, दुबई में गुरुद्वारा साहब जो है वो बहुत बड़ा है और मंदिर छोटा है, ये काफ़ी बड़ा मंदिर है। निक्कर वगैरह अगर आप पहन के आ रहे हैं तो वो अलाउड नहीं है, तो अगर कभी आएँ तो शॉर्ट्स पहन के ना आएँ, पूरे प्रॉपर ड्रेस में मतलब पैंट शर्ट वगैरह में ही आएँ और शॉर्ट्स ना पहने। लेडीज़ भी हैं वो भी मंदिर अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ पर, तो थोड़े कपड़े वगैरह तहजीब में रहें ज़्यादा बढ़िया। वैसे भी बहरीन में सऊदी अरेबिया में आपको अपने ड्रेस का ख्याल रखना पड़ेगा, तो ख्याल रखें।
इसी मंदिर में बहरीन में मोदी जी आए थे और ये मोदी जी द्वारा पेंटिंग भेजी गई है जो प्रभु की श्री कृष्ण की है। तो भाई भाइयों की वजह से प्रभु के दर्शन भी हो गए श्री कृष्ण जी के। यहाँ पर जो यहाँ के शेख हैं सलमान बिन हमद अल खलीफा साहब वो भी आए हैं, प्रिंस चार्ल्स भी आए हैं। बहुत शानदार मंदिर बनाया हुआ है, काफ़ी बड़ा मंदिर है यहाँ पे, और पीपल का वृक्ष भी है। भाई एक करेक्शन है, भाई ने अभी बताया मुझको कि ये जो पीछे बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये मंदिर का परिसर है मेन, जो है अभी बंद कर रखा कोविड वगैरह की वजह से शायद। भाई विष्णु भाई वापस आ गए हैं ड्यूटी करके और भाई बहुत समय दे रहे हैं इन भाइयों का, बहुत बहुत शुक्रिया यार। और भाई बढ़िया, क्या कहूँ, मतलब है नहीं, वर्ड्स नहीं है इनके लिए। और ये जहाँ हम खड़े हैं मंदिर के बाहर, ये सारा गोल्ड सूक है और मोस्टली जो शॉप्स हैं यहाँ पर वो इंडियंस की हैं, जितने भी मतलब अंदर मालिक जो बैठे दिख रहे हैं वो ज़्यादातर इंडियंस ही दिख रहे हैं। सबसे ज़्यादा भीड़ इस शॉप पे हैं जो है दिनेश देव जी एंड सन्स की, और अंदर देश का झंडा लगाया हुआ है, अगले ने इंडिया का झंडा लगा हुआ है, बहरीन का झंडा लगा हुआ है क्योंकि बहरीन देश में है, लेकिन बहरीन में होके इंडिया का फ्लैग इन्होंने लगाया है। तो भाई भीड़ इनके हमेशा रहे, मेरी दुआएं पर्सनली इनके साथ है और आपकी भी दुआएं साथ होंगी कि अगलों ने अपने देश का झंडा यहाँ लगा रखा है। थैंक यू है इनको, दिनेश देव जी एंड सन्स वालों को। भाई भाई अगेन दिनेश देव जी एंड सन्स की एक और गोल्ड शॉप है और फिर दोबारा फ्लैग लगाया हुआ है भाइयों ने, इनके मालिक से मिली हूँ मैं, थैंक यू कह दूँ, कैमरे को बंद करके कह दूँगा, कोई बात नहीं, थैंक यू ज़रूर कहूँगा इन्हें। भाई मैं हिम्मत करके दिनेश देव जी एंड सन्स में आ ही गया अंदर और मैंने साहब से मुलाकात की है, अंदर मालिक साहब हैं, ये अंदर बैठे हुए थे, बुलवाया मैंने स्पेशल, मैंने इनको बोला, ये साथ में ये भी भाई इंडिया से ही हैं शायद, तो मैंने इनको बोला भाई मालिक साहब कहाँ हैं, मेरे को थैंक यू बोलना उनको क्योंकि इन्होंने यहाँ देश का झंडा लगा रखा है। तो ये हैं मालिक साहब दिनेश देव जी एंड सन्स के। साहब शुभ नाम आपका? पंकज। पंकज जी, तो पंकज जी हैं ऑब्वियसली इंडिया से हैं, बहुत प्यार कर रहे हैं देश को, अपनी दोनों शॉप्स में इन्होंने फ्लैग लगा रखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा और जो भी भारतीय आता होगा उन्हें बहुत अच्छा लगता होगा। और इसमें मतलब देशभक्ति, कई लोग सोचते हैं कि भाई ज़्यादा देशभक्ति वगैरह करें, नहीं, आप जब देश से बाहर होते हैं आपको अपने वतन की याद आती ही आती है, अपने घर की, अपनी गलियों की, जहां आप खेले कूदे होते हैं वो सब आपको याद आता है, अपने पुराने दोस्त, क्योंकि ये दर्द है ना, बाहर रहने वाला समझ सकता है, जो बेचारा यहां आके सिर्फ काम कर रहा है, काम में इन्वॉल्व है बस, और उनसे पूछोगे तो वो मतलब समटाइम्स बहुत मिस करता है उन गलियों को, अपने दोस्तों को, टीचर्स को, सबको, तो ये एक भावना अलग होती है। तो उस भावना के साथ पंकज जी ने, और शायद इनके फादर साहब भी होते हैं शायद आपके साथ, है ना, तो ये दिनेश देव जी फादर साहब, दिनेश इज माय फादर्स नेम, देव जी इज माय ग्रैंडफादर। हां, क्या, तो आप लोग कितने साल से यहां पर? मैं पर्सनली यहां पे 81 में आया। आप? माय फादर एंड ग्रैंडफादर देव ही सर, 81 में मैं पैदा हुआ था। हां, माय ग्रैंडफादर नो हियर सिंस बिफोर 1950। Because my father was born in 1950. Okay. तो वो इधर है, इसको पहले my grandfather was here. सन 1950 से पहले भी इनके मतलब दादाजी होते थे यहाँ, देव जी इनके दादाजी का नाम है, और मतलब इतना पुराना रह रहे हैं 85 सालों से, फिर भी देश से प्यार देखो। तो वही मैं आपको बात कह रहा था कि भाई ये जो प्यार है ना अपनी गलियों का, अपना वो सर, तो आप बॉर्न तो आप इंडिया में हुए, कहाँ से? गुजरात में। गुजरात से, जितने मैंने ये देखे सारे गुजरात वाले हैं, ज्वेलर सब गुजराती है सारे, मतलब मैं जब से बहरीन में हूँ, पहले दिन को छोड़ देते हैं क्योंकि पहले दिन आप थके होते हैं, आपको कुछ नहीं समझ आता, लेकिन ये एक मिनी इंडिया है, यहाँ पर जितनी इनकी आबादी है उससे ज्यादा शायद इंडियन रहते हैं सर। दिस एरिया इज कॉल्ड मिनी इंडिया, ये एरिया लिटिल इंडिया बोलते हैं इसको, लिटिल इंडिया। ओके, तो ये भाई लिटिल इंडिया है, मंदिर भी यहाँ है, यहाँ का जो गवर्नमेंट है लाइक बहरीन गवर्नमेंट ने ये एरिया को लिटिल इंडिया बोल के ही प्रमोट किया हुआ है। ओके, इट इज अ वेरी थॉटफुलनेस, ग्रेटफुलनेस ऑफ बहरीन गवर्नमेंट दैट दे आर डूइंग दिस फॉर द इंडियन कम्युनिटी। बहरीन गवर्नमेंट बहुत अच्छी है वैसे इंडियन कम्युनिटी के लिए, नो डाउट। अब एक पर्सनल सवाल पूछूं? बोलो सर। वो वाली दुकान में इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है आपकी? हाँ जी, वो वाली शॉप में भीड़ ज्यादा है? वो थोड़ा आगे की साइड पे ना, इट इज वेरी नियर टू द टेंपल। नहीं, वहाँ पे आप मतलब कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स वगैरह दे रखे हैं? वो प्रमोशन में ज्यादा चलता है उधर इसके लिए। अच्छा, और हियर वी हैव सिल्वर एंड गोल्ड मिक्स इसके लिए।
अच्छा, मैंने इसलिए वहां पर देखा, मैंने कहा यार सबसे ज्यादा भीड़ इसी दुकान में लगी हुई है, और मैंने दुआ दिया उस दुकान को क्योंकि वहां पे आपने फ्लैग लगाया पहले, मैंने वहां देखा तो मैंने कहा भाई ये जो भी है दिनेश देव जी मेरी दुआ इनके साथ। हमने बहरीन में के भी रखे जी जी, बहरीन का तो है ही, देखो वो तो बहुत अच्छी बात है, कोई हमारी कंट्री को सपोर्ट कर रहा है और हमें फ्लैग लगाने दे रहा अपना, तो बहरीन गवर्नमेंट को तो भाई थैंक यू है ही है, और आपको सर अगेन आपके परिवार को थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय भी दिया और आप लोगों का भी शुक्रिया, आपने साहब को बुलाया, बहुत शुक्रिया। तो भाई दिनेश देव जी एंड सन्स शॉप है, आपको कभी भी गोल्ड लेना हो आपने यहीं से लेना है, क्योंकि भाई ये 85 साल से यहाँ रह रहे हैं फिर भी अपने देश को प्यार कर रहे हैं। चलो आगे चलते हैं। ओके सर, भाई पेट्रोल यहाँ इतना सस्ता है कि भाई ने बाइक स्टार्ट करके छोड़ी हुई है, पता नहीं कौन भाई है ये, अनायत स्वीट्स स्पेशलाइज इन ऑल पाकिस्तानी एंड इंडियन स्वीट्स, ये इंडियन स्वीट की शॉप है, पाकिस्तानी इंडियन स्वीट्स यहाँ मिलती है। भाई अंदर भाई गए हैं कुछ पैक करवाने हमारे विष्णु भाई, और सामने है ये एक शॉप सैलून है जो है राजस्थान जेंट सैलून। तो ये मिनी इंडिया जो है, सच में ये मिनी इंडिया, और ओल्ड सारा जो ये बहरीन है यहीं पे सारी ओल्ड शॉप्स वगैरह हैं, यहाँ आके पता लग रहा है हाँ कुछ ओल्ड था, वो तो सारा नया ही बनाऊंगा ओल्ड जगह तो जहाँ जहाँ गए। और यहाँ पे रेटों में भी फ़र्क है, हेयर कट 1 रियाल का है जो भी यहाँ के बहरीनी दीनार, रियाल ही निकल रहा है मेरे मुँह से जब से ओमान का झटका खाया है ना, रियाल बहुत महंगा है भाई, दीनार भी बहुत महंगा है। तो भाई ये यहाँ पर जो है ओमान से थोड़े से सस्ते हैं रेट, ओमान में ज़्यादा रेट थे, तो ओमान से बहरीन जो है वो थोड़ा कंपैरेटिवली सस्ता है, वैसे सस्ता नहीं है तो कंपैरेटिवली तो है। रेडी है भाई जी, भिजवा दिए मंग भिजवाते, कहाँ से? पाकिस्तान से जी जी, आ जाओ मैं आपका ऑर्डर तैयार करवाता हूँ, ठीक है? कुछ भाई जान पाकिस्तान से थे या कोई ऑर्डर दे के गए होंगे, तो हमारे विष्णु भाई खड़े थे उनसे पूछ रहे थे ऑर्डर रेडी है। भाई खुशबू बहुत अच्छी आ रही, विष्णु भाई फेमस शॉप है, विष्णु भाई लेके आए थे भाई, देखो सारी मिठाई वगैरह, वो मट्ठी भी है भाई, समोसे मट्ठी। अच्छा बहरीन की एक खासियत है, यहाँ कोई कमी नहीं मिलेगी किसी चीज़ की, मतलब इंडिया का कुछ भी खान पान चाहिए वो आपको सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे, बहरीन में कोई कमी नहीं है। एक दो शॉप्स ये ऐसी हैं यहाँ तो सब कुछ ही बल्ले बल्ले गुलाब जामुन वगैरह है ना। और एक और मज़े की बात है, यहाँ पर इंडियन पाकिस्तानी सारे भाई एक शॉप में एक जगह साथ बैठ के खाना भी खाते हैं, ये सबसे अच्छी बात है ना। आप पाकिस्तान से? अरे भाई देखो ये भाई पाकिस्तान से हैं, कोई इंडिया से, कोई हम इंडिया से हैं, खुद ही खड़े हैं, तो पाकिस्तानी इंडियन बांग्लादेशी बाहर आके सब लोग एक जैसे हैं, और बहुत अच्छी बात है, ये विदेश में आके बहुत अच्छा लगता है, खासकर यहाँ इन कंट्रीज़ में आके, बहरीन वगैरह मिडल ईस्ट कंट्री में आके। आ गया जी ऑर्डर, आ गया नहीं आया? मैं लेके आता हूँ भाई जी, तारिक जी का ऑर्डर दे दो। तो भाई तारिक जी का ऑर्डर मिल गया, हमारा भी ऑर्डर मिल गया, अब चलते हैं हम यहाँ से आगे। अरे वाह, गाड़ी चेंज, लो जी हमारी गाड़ी भी आ गई, गाड़ी हो गई है चेंज। शाम के 7:45 बज गए हैं और आने लग गई है बारिश यहाँ पे, तो आज का दिन हम काफ़ी घूमे, बाबल बहरीन गए, किला गए, एवेन्यू गए, तो काफ़ी घूमे, और ये था आज का दिन बहरीन में। अब थोड़ा सा मन लगने लगा है क्योंकि विष्णु भाइयों ने कमाल कर दिया भाई, तो दोनों भाइयों को थैंक यू है, मतलब मैं इनका ज़िंदगी भर ही थैंक यू करता रहूँगा, क्योंकि जब भी बहरीन की याद आएगी या बहरीन की बात होगी तो विष्णु भाइयों की ज़रूर याद आएगी। और प्रेम भाई ने भाई ऑलरेडी बहुत प्यार दिया, साथ दिया, और अब यह दीजिए इजाज़त अब सबको क्योंकि घुमाया इन्होंने आज आपको, ठीक है? तो भाई आप लोगों की तरफ से भी भाई आपको थैंक यू, ठीक है? तो गुड नाइट है, स्वीट ड्रीम्स है, जय हिंद है।